नवंबर महीने के जाते जाते ठंड ने अब दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में दस्तक दे दी है। सुबह और शाम के तापमान में कमी के बाद घरों में रजाई कंबल के साथ जैकेट और स्वेटर भी निकल आए हैं। ठंड की ये दस्तक लेट है। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ पोल्यूशन ने लोगों की सांस पर भारी असर किया है। पहाड़ी राज्यों में पारा गिरने के बाद वहाँ भी मौसम सुहाना हो गया है। आइए जानते हैं कि आज देश भर में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। बीते तीन दिनों की तुलना में राजधानी का तापमान बुधवार को थोड़ा बढ़ गया है। अब अगले दो से तीन दिन इसमें और कमी होने की संभावना नहीं है। पूर्वानुमान के अनुसार इस पूरे हफ्ते हल्के से मध्यम दर्ज का स्मोक छाया रह सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार सुबह हल्के से मध्यम कोहरा रहेगा, वहीं शाम और रात के समय भी हल्की स्मोक रह सकती है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री तक रह सकता है। 23 से 25 नवंबर के बीच अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री तक रह सकता है। सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा रहेगा, वहीं इसके बाद तापमान में कमी आएगी। 26 और 17 नवंबर को अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के बीच रह सकता है। दिल्ली से सटे राज्य पंजाब और हरियाणा और उन दोनों की राजधानी चंडीगढ़ में ठंड पड़ने लगी है। आज की बात करें तो पंजाब में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के बीच हुई है। आज अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री के बीच रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 9 डिग्री तक नीचे जा सकता है। साथ ही बात करें हरियाणा की, तो यहां भी सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ ही हुई। आज अधिकतम तापमान 23 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 15 से 8 डिग्री तक नीचे जा सकता है। दोनों की राजधानी चंडीगढ़ में भी ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यहां आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे नीचे जा सकता है। आगे इसके और घटने के आसार हैं। पहाड़ी राज्यों में भी ठंड का अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। अगले कुछ दिनों में हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में और बर्फबारी भी हो सकती है। आज उत्तराखंड में लोगों की सुबह घने कोहरे के बीच हुई। आज अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक तो वही न्यूनतम तापमान 5 तो कहीं माइनस में भी जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी आज के बाद अगले दो दिन तक घना कोहरा देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में भी कोहरे के साथ पारा गिरने से ठंड बढ़ी है। आज कोहरे का अलर्ट नहीं है। राजस्थान में भी सर्दी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। रात को न्यूनतम पारा 6 से 7 डिग्री तक नोट किया जा रहा है। आज कई इलाकों में कोहरा पड़ने की संभावना जताई गई थी। आज के बाद ठंड और बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में ठंड के साथ कोहरा पड़ने की संभावना है। यूपी में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से 13 डिग्री के बीच रहेगा। हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं है, बाकी समय मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बीते 38 घंटों से हलचल दिखी। अंडमान निकोबार के दक्षिणी हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की बात कही गई, जिसके शुक्रवार देर रात या 23 नवंबर की सुबह तक श्रीलंका के पूर्वी तट और तमिलनाडु के तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगर ये तूफान जन्म लेता है तो इसका नाम फिनाजल होगा। आमतौर पर नवंबर में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या बंगाल के तटों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ये बना तो पुराने रूट के बजाय तमिलनाडु और श्रीलंका का रुख करेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।